तो दोस्तों तारक मेहता के लेटेस्ट एपिसोड में हमें ठीक वैसा ही दिखाया गया जिस चीज़ का हम सबको अंदाजा था और जिस चीज़ का हम सबको डर था। हम सबको ये लग रहा था कि इस टाइम पे जो हमारी पोपटलाल की शादी है ना वो तो हो ही जाएगी, क्योंकि जो तारक मेहता के शो के मेकर्स हैं उनको पोपटलाल की शादी की ज़रूरत भी है, यहाँ पर TRP की भी ज़रूरत है। लेकिन अब जो तारक मेहता के लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया जा रहा है उससे तो ये कन्फर्म हो गया कि जो हमारी पोपटलाल की जो शादी है इस बार भी नहीं होने वाली है। हम सब ने तो ये सोचा ही था कि जब भी हमारी कल्पना की जो फैमिली मेम्बर्स है पोपटलाल के पास आएंगे तो कोई ना कोई ये भांडा आके जरूर जरूर फोड़ जाएगा। तो जो लेटेस्ट एपिसोड में ये दिखाया गया कि कोई एक इंसान आके बता देता है कि वो प्यारे लाल है, वो पोपटलाल नहीं है, और जो हमारे कल्पना के जो फैमिली मेंबर्स है या कल्पना खुद है वो उनको पोपटलाल ही जानती है, वो प्यारे लाल को नहीं जानती है। तो दोस्तों एक बार फिर से जो हमारे पोपटलाल शादी होते होते जो उनकी शादी है वो फिर से रुकने वाली है। और मैं सच बताऊं तो मैं अब ये चीज देख देख के अब बोर हो चुका हूं कि शादी होते होते रुक जाती है, अब मैं हम लोग करें भी तो करें क्या। तो दोस्तों जो अभी हाल चल रहा है ना ये सब हाल देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे पोपटलाल की शादी है वो नहीं होगी, और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जो तारक मेहता में हमें फिर से कुछ महीनों बाद पोपटलाल की शादी एक बार फिर से हमें दिखाई जाएगी। तो दोस्तों आप पोपटलाल की शादी देखना चाहते थे कि नहीं, मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।